यदि झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई भी उम्मीदवार गोड्डा लोकसभा में लड़ेगा और यदि कांग्रेस बलात्कार के आरोपी प्रदीप यादव उम्मीदवार होंगे तो मैं चुनाव प्रचार नहीं करूंगा, कार्यकर्ता ही चुनाव। अभी तक पूरा तरह से घोषणा नहीं हुआ, इसकी क्या वजह मान रहे हैं? इसीलिए कि कोई हारने के लिए लड़ना नहीं चाहता गोड्डा में। आपने देखा कि यहाँ दुमका में भी उसी तरह की हड़बड़ाहट थी, तो किसी तरह से जो है पीठ ठोक के नलिन दा को खड़ा कर दिया गया। क्या लड़ेंगे, इनके पास कोई उम्मीदवार मिल नहीं रहा है। और कितनी भगदड़ है, जब मैंने कहा था जो सबसे इम्पोर्टेंट आप लोगों के साथ मैं बात करना चाहता था कि मेरी बात को सुप्रियो भट्टाचार्य ने हवा में उड़ा दी। मैंने कहा था जिस दिन सरफराज अहमद ने इस्तीफा दिया था गांडे की सीट से कि सरफराज अहमद राज्यसभा के सदस्य होंगे, राज्यसभा के सदस्य हो गए। मैंने कहा था कि कल्पना सोरेन जी गांडे की उम्मीदवार होंगी, कल हो गई। और मेरी तीसरी भविष्यवाणी भी सुन लीजिए कि जिस दिन गांडे से कल्पना सोरेन जी जीत कर आएंगी, धक्का मार कर जो है वो चंपाई सोरेन को जो है बाहर कर देंगी, वो इस प्रदेश की मुख्यमंत्री होने जा रही है, क्योंकि हेमंत सोरेन जी को बेल मिलना नहीं है। तो ये दो बातें मेरी सत्य हो गई हैं और तीसरी बात भी सत्य हो गई। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे से कुछ नहीं होता है। ये अब चंपाई सोरेन को तय करना है कि आंदोलनकारी नेता होगा या किसी की बहू बेटी और बेटा हो जाने से नेता बन जाते हैं। ये अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूरे काडर को सोचने का सवाल है। सीता सोरेन जी पार्टी से निकल गई हैं, हमारी पार्टी के उम्मीदवार हैं। लोबिन हेम्ब्रम साहब जो है किसी भी दिन निकल जाएंगे, हो सकता है कि वो चुनाव लड़े राजमहल से। चमरा लिंडा, इन लोगों जिनको की स्पाइन वो झारखंड मुक्ति मोर्चा ऑलरेडी छोड़ चुके हैं 3 MLA, और मुझे लगता है कि चंपाई सोरेन को निर्णय लेने का वक्त आ गया, तो उनको मुख्यमंत्री बना देंगे क्योंकि 6 महीना ही बचेगा चुनाव में। तो 6 महीने तक तो कोई बिना MLA बने भी जो है मुख्यमंत्री हो सकता है। मैं जीतने की कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जब उनको राजनीति में सीधा सीधा जो है चुनाव में घसीट देगी झारखंड मुक्ति मोर्चा, तो उनके मुख्यमंत्री बनने का तो रास्ता साफ ही हो जाएगा। तो ऐसे में आप झारखंड मुक्ति मोर्चा का क्या भविष्य देख रहे हैं? झारखंड मुक्ति मोर्चा नाम की पार्टी, मैंने आपको ध्यान हो कि मैंने कहा था कि 2024-25 होते होते झारखंड मुक्ति मोर्चा नाम की कोई पार्टी नहीं बचेगी, सैम्बल लम्बल सब जब्त हो जाएगा। उसी दिशा में जा रहा है, कोई झारखंड चंपई हो जाएगा, कोई जैसे होता था ना एनी होरो की पार्टी होती थी, मुंडा जी की पार्टी होती थी, जयपाल सिंह मुंडा जी की पार्टी हुआ करती थी, झापा हुआ करती थी, एनो सिक्का बनाया करते थे, उसी तरह से आप मान कर चलिए कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा जो झारखंड मुक्ति मोर्चा सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा चंपई, झारखंड मुक्ति मोर्चा मथुरा, झारखंड मुक्ति मोर्चा लोबिन, कम से कम 5-6 भागों में ये पार्टी विभक्त हो। सीता सोरेन अभी लगातार अपने पति के मौत की जांच की मांग कर रहे हैं, कर रही है, तो आप कितना साथ हैं उनका? ये तो मैं 2009 से ही कर रहा हूँ, मैं तो 2009 से, मैं आपको बताऊं कि किसी भी व्यक्ति की अस्वाभाविक मौत यदि होती है तो बिना पोस्टमार्टम के आप उसको कैसे जला देते? पोस्टमार्टम होना चाहिए था ना। कोई आदमी तरोताजा था, 16 तारीख तक चूंकि मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे तो मुझे पता था कि वो जबरदस्त कैंपेन कर रहे हैं। कोई आदमी रिजल्ट के दिन जो है उन्होंने मुझे बधाई दी थी जब मैं चुनाव जीत गया था। 16 मई तक जो आदमी काफी अच्छा है, और मैंने उनके मित्र से पूछा जो उनके साथ रहते थे, वो एक शादी में जो है आने वाले थे बोकारो शादी में, सब उनका इंतजार कर रहे थे और वो शाम में नहीं आए थे। तो जो आदमी शादी अटेंड करने के लिए आ रहा हो, जो तरोताजा हो, जो स्वस्थ हो, वो किस परिस्थिति में मर गया? और उनके पीछे जो है लोगों का कहना है कि उनको सर में चोट थी। तो कोई भी आदमी मरेगा तो उसका तो पोस्टमार्टम होना चाहिए, और बड़ा आदमी मरा था, ये स्वाभाविक मौत है। तो निश्चित तौर पर इसकी CBI इंक्वायरी होनी चाहिए, और जब हमारी सरकार बनेगी तो हम इसकी CBI इंक्वायरी कराएंगे। हेमंत सोरेन की संपत्ति लगातार मिल रही है, अटैच हो रही है, उसमें कल्पना का भी आपने जिक्र किया है, तो सर तो क्या लगता है किस तरह जा रहा है? आपातकाल में साया भी साथ हुआ है, उनका जो सबसे करीबी मित्र पिंटू श्रीवास्तव इसी दुमका का, आप देखिए कि उसने बयान दे दिया कि जो कुछ भी किया उसने, वो जमीन उसकी है, उस जमीन के सारे म्यूटेशन, सारी चार दीवारी का निर्माण सब कुछ उसने हेमंत सोरेन के कहने पर। इस तरह से हजारों करोड़ की संपत्ति, एक दो संपत्ति नहीं है। ED अभी जाएगी तो
एक्टिविटी उसके तह तक जाएगी। मैं आपको बताऊं कि एक बड़ा अच्छा केस है, इनलैंड पावर है कोई हजारीबाग, इनलैंड पावर करोड़ों रुपया दे रहा है जिसको एक बासकी है हजारीबाग का, झारखंड मुक्ति मोर्चा करके, उसके अकाउंट में करोड़ों रुपया जमा हो रहा है। वो करोड़ों रुपया जो है जमशेदपुर की एक कंपनी है अंजैया स्टील, उसको ये जिला अध्यक्ष भेज रहा है। अब ये मेरा मानना है व्यक्तिगत कि वो जो अंजैया स्टील है वो हेमंत सोरेन जी की बेनामी कंपनी, और आज नहीं कल इसका बड़ा डिस्क्लोजर होने वाला है। आप ये बताइए ना कि इनलैंड पावर ऐसा क्या होता है झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष को करोड़ों रुपया बैंक अकाउंट में देगा? मैंने सारे बैंक अकाउंट ईडी को दिया और वो जिला अध्यक्ष जो है अंजैया स्टील को देगा। तो इस तरह की जो लूटगर्दी है, केवल जमीन ही लूटने का काम नहीं किया है, फैक्ट्री भी लूटने का काम किया है, संपत्ति बनाने का काम किया है। और जो लोकपाल की जांच बढ़ेगी, जो लोकपाल ने सीबीआई इंक्वायरी की है जिसमें कि शिबू सोरेन जी और उनकी पत्नी और उनके परिवार के लोग उसके दायरे में आएंगे, तो जो जो ये बढ़ेगा, तो जो मैंने आपको कहा था पहले भी और बाद में फिर से कह रहा हूँ कि सीता सोरेन जी का परिवार के अलावा कोई आदमी जो है चुनाव लड़ने के लायक नहीं होगा, काबिल नहीं होगा, ये मैं लगातार कह रहा हूँ। ये नहीं कि सीता सोरेन जी हमारी पार्टी में आ गए तो मैं बता रहा हूँ। और दूसरा, जिस तरह से पिंटू श्रीवास्तव ने ये काम किया है, कल्पना सोरेन जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहला आदमी जो फिर से सोरेन परिवार से निकलने वाला है वो भाई बसंत सोरेन है। मैं बसंत सोरेन को जानता हूँ, वो बहुत ही मर्द आदमी है और कभी भी जो है वो आंदोलनकारी को छोड़कर अपने पिता की विरासत को अपने भाभी को नहीं सौंपता। मतलब चांसेस है कि बसंत भी निकलेंगे वहाँ से? 100% निकल रहे हैं, कहीं कलम कागज है तो लिख लीजिए, जून जुलाई में बसंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ देंगे।